नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक अपडेट डिस्कशन करने वाले हैं। करंट अफेयर्स का एक टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था कुछ ही दिनों पहले, ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2021 के बारे में हम लोग चर्चा की थी। आपको याद होगा ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में इंडिया का रैंक इस बार बताया गया था 101 आउट ऑफ 116 कंट्रीज, और हम लोगों ने कहा था कि पिछले साल के मुकाबले में, पिछले साल हमारा रैंक था 94 आउट ऑफ 107 कंट्रीज, इस बार वो खराब हो चुका है। इसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा की थी। अभी उसी के ऊपर गवर्नमेंट ने स्लैम किया है इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स को ही। सरकार ने सवाल उठाए हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स की मेथोडोलॉजी के ऊपर। इन्होंने ये कहा है कि इनकी जो मेथोडोलॉजी है काफ़ी अनसाइंटिफिक है, और इसी के चलते इंडिया की रैंकिंग खराब हुई है एंड वी आर वेरी वेरी सरप्राइज। तो चलिए इसके ऊपर चर्चा करते हैं, गवर्नमेंट ने क्या कहा और आगे चल के हम लोग और भी ज़्यादा वॉर ऑफ वर्ड्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिटवीन इंडियन गवर्नमेंट एंड दी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस इन फ्यूचर। तो इन चीजों के ऊपर चर्चा करेंगे। सारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए मेरे साथ बने रहिए स्टडी आई के ऊपर। मैं हूं आपका दोस्त राहुल साइगांवकर। आप मुझे इन आईडी से फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो देन डू विजिट studiiq.com या फिर डाउनलोड करें हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर से टू नो मोर अबाउट अस। चलिए पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूं हम लोगों ने क्या चर्चा की थी। आशा करता हूं कि आपने ये वीडियो जरूर देखा होगा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021, इंडिया स्लिप्स टू 101st स्पॉट। ये हम लोगों ने डिस्कशन की थी, राइट। बट आपको एकदम शॉर्ट में बता देता हूँ कि क्या डिस्कशन हम लोगों ने की थी। देखिए, हम लोगों ने कहा था कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 रिलीज हो गई है, जिसमें इंडिया की पोजीशन है 101 आउट ऑफ 116 कंट्रीज। पिछले साल हमारा रैंक था 94, 107 कंट्रीज को असेस किया गया था, इंडिया को सीरियस कैटेगरी में डाला गया, यानी कि इंडिया में बहुत ज़्यादा हंगर है, बहुत ज़्यादा अंडर नरिशमेंट है, ये बताया गया है रिपोर्ट द्वारा। हमारा रैंक है 101 116 कंट्रीज में, यानी कि हमसे पीछे है 15 कंट्रीज, और उन 15 कंट्रीज की लिस्ट आपको यहाँ पे मिलेगी, जिसमें साउथ एशिया की बात करें तो अफगानिस्तान एक ही है जो इंडिया के रैंक से भी पीछे, बाकी सारी अफ्रीकन कंट्रीज है, मैं कहूँगा कॉन्फ्लिक्ट प्रोन या फिर वॉर रैवेज्ड कंट्रीज है। अगर हम लोग साउथ एशिया में कंपेयर करें तो इंडिया की जो रैंकिंग है इट इज बैड देन पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और दूसरे कंट्रीज इन साउथ एशिया, ये बताया गया। और हम लोगों ने ये भी चर्चा की थी कि ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन देता है। मैंने आपको कहा था कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स यूनाइटेड नेशन नहीं देता है, एक पीयर रिव्यूड पब्लिकेशन है, दो एनजीओ से कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हेल्थ, ये दोनों मिलकर देती है। तीन डायमेंशंस असेस करते हैं ये लोग, इनएडिक्वेट फूड सप्लाई, चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड मोर्टैलिटी, और चार डायमेंशन या फिर चार पैरामीटर्स ये लोग गेज करते हैं, अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग और अंडर 5 मोर्टैलिटी रेट, ये मैंने आपको बताया था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये लोग डेटा कहाँ से लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि डेटा ये लोग WHO से लेते हैं, वर्ल्ड बैंक से, यूनाइटेड नेशंस एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन से लेते हैं, और हम लोग कौन सा डेटा शेयर करते हैं, NFHS का डेटा शेयर करते हैं इन ऑर्गेनाइजेशन के साथ। और इस साल की जो रैंकिंग आई है 2021 की, उसका जो डेटा है वो 2016 से 2020 का डेटा, यानी कि जो COVID-19 वाला ईयर था 2020 उसको भी कंसिडर किया गया था। अब देखिए इंडिया की क्या सिचुएशन रही थी, मैंने आपसे कहा था कि इंडिया की जो तीन डायमेंशंस थी उसमें चार पैरामीटर जिसमें से शेयर ऑफ वेस्टिंग हैज बीन इंक्रीजिंग, यहाँ पे इंडिया बुरा कर रहा है करके बताया था मैंने आपको। 1998-2002 लेवल में 17.1% ऑफ चिल्ड्रन वर वेस्टेड, यानी कि उनकी उम्र के लिए उनका वेट कम था, और अभी 2016 से 2020 का जो डेटा है उसमें ये परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। और बाकी पैरामीटर्स में हम लोग पॉजिटिवली मूव कर रहे हैं, लेकिन मूवमेंट काफी धीरे है ये बताया गया, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू अंडर नरिशमेंट। U5 मोर्टैलिटी रेट वी आर डूइंग डिसेंटली, स्टंटिंग के परस्पेक्टिव से हम लोग डिसेंट कर रहे हैं, लेकिन अंडर नरिशमेंट अभी भी बहुत ज्यादा है ये बताया गया है हमारे देश में। और मैंने आपको बताया था ट्रेंड हमारा इस बार 101 रैंक आया है, लेकिन अगर हम लोग पिछले 20 सालों की बात करें, सन 2000 में हमारा स्कोर था 38.8, और मैंने आपको बताया था ग्लोबल हंगर इंडेक्स 1 to 100 यहाँ पे स्कोर दिया जाता है, अगर 100 स्कोर हो तो यू आर डूइंग वेरी वेरी बैड, अगर 0 की तरफ स्कोर है तो आप अच्छा कर रहे हो। तो हमारा स्कोर 38.8 था सन 2000 में, और 2021 में 27.5 पे पहुंच गए। पिछले साल हमारा स्कोर था 27.2, तो इस साल बिकॉज ऑफ COVID-19 सिचुएशन इज वर्सन, ये बताया गया। लेकिन साउथ एशिया में स्पेसिफिकली ये बताया गया कि इंडिया की जो स्कोर है 27.5, इट इज हायर देन साउथ एशिया एवरेज, और हमसे भी अच्छा कर रहे हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल एंड चाइना इज डूइंग बेटर, ये मैंने आपसे बताया था। लेकिन अभी सरकार ने इस चीज के ऊपर सवाल उठाया है, सरकार ने मेथोडोलॉजी के ऊपर सवाल उठाया है
जो मेथोडोलॉजी यूज करके ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स दी गई है उसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठा दिया है गवर्नमेंट. गवर्नमेंट हैज सेड इट इज वेरी शॉकिंग दैट द मेथोडोलॉजी इज वेरी वेरी अनसाइंटिफिक फॉर दिस ग्लोबल हंगर इंडेक्स. क्या कहा गया देखिए, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने यह क्रिटिसाइज किया है कि जो ग्लोबल हंगर रिपोर्ट जिसको रिलीज करते हैं दो एनजीओ कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर हेल्प, इन्होंने डेटा लिया है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की एस्टिमेट्स के ऊपर. उनकी एक रिपोर्ट को इन्होंने मद्देनजर रखते हुए ये इंडेक्स बनाया है जिसके अंदर मेथोडोलॉजिकल इश्यूज हैं. इन्होंने कहा है कि ये जो दो एनजीओ से इन्होंने ड्यू डिलीजेंस फॉलो नहीं किया बिफोर रिलीजिंग द रिपोर्ट. इनफैक्ट अगर हम लोग बात करें कहां से इन्होंने डेटा लिया है, मैंने आपसे कहा था कि WHO वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन से ये लोग डेटा लेते हैं और उसको कलेक्ट करके एक इंडेक्स देते हैं. इंडेक्स किन चीजों पे, चार पैरामीटर्स को असेस करके, अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग एंड U5 चाइल्ड मोर्टैलिटी. अब इन्होंने डेटा कहां से लिया, देखिए अंडर नरिशमेंट का डेटा इन्होंने लिया है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन से और इसी के ऊपर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं. ये जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है इसकी एक रिपोर्ट रिलीज हुई थी जिसका डेटा इन्होंने लिया है, ये दो एनजीओ ने लिया है और ग्लोबल हंगर इंडेक्स इन्होंने बनाई है. अब आपको ध्यान होगा कुछ दिनों पहले हम लोगों ने चर्चा की थी कि पूरा विश्व दो गुटों में डिवाइड हो रहा है. मैंने आपसे कहा था कि ब्रेटनवुड इंस्टीट्यूशंस में यूरोपियन यूनियन का और यूएसए का काफी दबदबा रह रहा है और चाइना दूसरे यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर कब्जा कर रहा है और यहाँ पे FAO के ऊपर मैं कहूंगा इनकी चेयरमैनशिप पहुंच गई चाइना के पास. कू डोंगयू यहाँ पे चेयरमैन बन चुके हैं. तो इनकी जो रिपोर्ट रिलीज हुई है इसका डेटा लिया गया, तो इस रिपोर्ट को क्रिटिसाइज किया है इंडिया ने. इसके अलावा चाइल्ड मोर्टैलिटी डेटा जो लिया है वो लिया है यूनाइटेड नेशंस इंटर एजेंसी फॉर चाइल्ड मोर्टैलिटी एस्टिमेशन और चाइल्ड वेस्टिंग और स्टंटिंग का डेटा लिया है, एक जॉइंट डेटाबेस है यूनिसेफ, WHO और वर्ल्ड बैंक एंड अदर सोर्सेस से इन्होंने लिया हुआ. अब सरकार ने सवाल उठाया है इस पर्टिकुलर चीज पे, FAO की मेथोडोलॉजी. उन्होंने कहा है कि इट इज वेरी वेरी अनसाइंटिफिक. सरकार ने कहा है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की जो रिपोर्ट आई थी जहां पे उन्होंने अंडर नरिशमेंट का डेटा दिया था, इट वॉज बेस्ड ऑन अ 4-question ओपिनियन पोल. एक काफी छोटा सैंपल स्पेस था, उस सैंपल स्पेस में भी लोगों ने वहां से कॉल किया और केवल कॉल पे चार सवाल पूछे, उस ओपिनियन पोल का डेटा है और टेलीफोनिकली कंडक्ट किया गया था. ग्राउंड लेवल इन्हें पता ही नहीं, ग्राउंड लेवल की सिचुएशन इन्हें पता ही नहीं है और इसको कंडक्ट किया था गैलप वर्ल्ड पोल ने. इस गैलप वर्ल्ड पोल के डेटा की बेसिस के ऊपर ये रिपोर्ट दी थी, राइट. FAO की रिपोर्ट आई थी, आप देख सकते हो, FAO इन कोलैबोरेशन विद यूनिसेफ, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, WHO, इन्होंने एक रिपोर्ट दी थी स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड. आप यहाँ पे देख सकते हो इस रिपोर्ट का मैंने एक स्निपेट डाला हुआ है. हियर कंट्री लेवल रिजल्ट्स आर प्रेजेंटेड ओनली फॉर दोज कंट्रीज फॉर विच एस्टिमेट्स आर बेस्ड ऑन ऑफिशियल नेशनल डेटा और प्रोविजनल एस्टिमेट्स बेस्ड ऑन FAO's डेटा कलेक्टेड थ्रू गैलप वर्ल्ड पोल. अब गैलप वर्ल्ड पोल ने टेलीफोनिकली कॉल किया था यहाँ पे और उस डेटा के ऊपर, एक छोटे से क्वेश्चन के ऊपर ये पूरी रिपोर्ट बेस्ड है ये बताया गया था. अब सरकार क्रिटिसाइज ये कर रही है कि इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में टेलीफोनिक डेटा के ऊपर बेस्ड इन्होंने ये बताया कि इंडिया में अंडर नरिशमेंट बहुत ज़्यादा है लेकिन दूसरे साउथ एशियन कंट्रीज में जैसे कि अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, यहाँ पे COVID-19 पैंडेमिक का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ. इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि देर वॉज नॉट अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन जॉब्स और बिजनेसेस और इनकम लेवल बिकॉज ऑफ COVID-19. अब यहाँ पे इनफैक्ट यहाँ पे बताया गया प्रोपोर्शन ऑफ अंडर नरिश्ड पॉपुलेशन इट डिड इम्प्रूव करके बताया, यानी कि अंडर नरिश्ड पॉपुलेशन कम हुई इन कंट्रीज में बाई दीज परसेंटेजेस रेस्पेक्टिवली ओवर अ पीरियड ऑफ 2018 टू 2020. इस पीरियड में यहाँ पे एक बताया गया कि अंडर नरिशमेंट कम हुई, इसीलिए इन कंट्रीज की रैंकिंग इंप्रूव हुई है या फिर उतनी ही रही है लेकिन इंडिया की रैंकिंग कम हुई है. तो इन चीजों के चलते इंडिया ने क्रिटिसाइज किया है इसकी मेथोडोलॉजी पे, स्पेशली ऑन दी FAO रिपोर्ट जिसकी बेसिस पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स बनाया गया है. ऑल्दो FAO ने कहा है कि उनकी पूरी मेथोडोलॉजी काफी साइंटिफिक है. अभी देयर आर नो कमेंट्स राइट नाउ फ्रॉम दी एनजीओ कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्ट हंगर हेल्प, जब भी आएगी तो हम लोग और चर्चा करेंगे, लेकिन वी कैन एक्सपेक्ट द वॉर ऑफ वर्ड्स टू कंटिन्यू. एंड इंडिया और इंडिया की जो सरकार है, वाई इज इट क्रिटिसाइजिंग स्पेशली, वाई इट इज इट फ्लमक्स्ड ऑल्सो, क्योंकि इंडिया ने बहुत सारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स अनाउंस किए पिछले, मैं कहूँगा 6 से 7 साल में काफ़ी सारी इनिशिएटिव्स अनाउंस की गई है टू रिड्यूस मैल न्यूट्रिशन, टू रिड्यूस अंडर न्यूट्रिशन. तो
देखिए नेशनल न्यूट्रिशन स्ट्रैटेजी अनवेल की थी हम लोगों ने 2030 तक की, राष्ट्रीय पोषण अभियान चल रहा है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना चल रहा है, जननी सुरक्षा योजना चल रही है, नेशनल हेल्थ मिशन अर्बन एंड रूरल दोनों चल रही है, स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ही चल रही है, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज वेरी वेरी एक्सटेंसिव, 1, 2, 3 1, 2, 3 रुपए में आपको चावल गेहूं और मिलेट्स वगैरह मिलते हैं। तो इन सारी चीजों के बावजूद अगर इंडिया की रैंकिंग इंप्रूव नहीं हो रही है तो इसी के ऊपर सवाल उठा रही है सरकार। सरकार कहती है कि जो मेथोडोलॉजी स्पेशली फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रही है और उनकी जो इंस्टीट्यूशन है गैलप जिसका पोल इन्होंने इस्तेमाल किया है, उन्हें ग्राउंड लेवल की रियलिटी नहीं पता है। सरकार कहती है उनके पास क्रेडिबल डेटा है, तो जब भी आएगा तो विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो, इंडिया की हंगर नंबर्स और हंगर स्टैटिस्टिक्स अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, बट द गवर्नमेंट सेज दैट दे हैव क्रेडिबल डेटा दैट द नरिशमेंट और द न्यूट्रिशन लेवल इन इंडिया इज इंक्रीजिंग स्लोली एंड स्टेडली, बट द मेथोडोलॉजी यूज बाई दिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन इज रॉन्ग। सो लेट अस वेट एंड वॉच फॉर द रिएक्शन फ्रॉम दीज पीपल। तो आगे चल के हम लोग एक अनुमान जरूर लगा सकते हैं कि देर वुड बी वॉर ऑफ वर्ड्स बिटवीन Ministry of Women and Child Development or the other international organizations and NGO. Jab bhi development hogi, we'll discuss it again on Study IQ. But as of today, that is it in this part of lecture. Thank you for watching. Jai Hind.